हेलो माई डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स वेलकम टू एलोट इंग्लिश क्लासेस एंड दिसमिलर साउंड वर्ड्स एक जैसे ही प्रनाउंस किए जाते हैं ऑलमोस्ट तो जब हम बोलते हैं तो इतनी ज्यादा कोई परेशानी नहीं होती ना कोई गलत होने के चांसेस होते हैं लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं तो आज हम इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग भी समझेंगे और क्या क्या डिफरेंस हैं और किस किस तरह से ये यूज़ होते हैं ये भी सीखेंगे स्टूडेंट्स अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी जो भी वीडियोस आए वो आपको सबसे पहले पहुंचे अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा लाइक like भी जरूर कीजिएगा और वीडियो शेयर करना ना भूलें ताकि और भी आपके फ्रेंड्स इससे फायदा उठा सके सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्ट इट रिफ्यूज Refuge means place giving shelter or protection from trouble, danger or pursuit. The refuge क्या होता है? ऐसी जगह पर किसी भी व्यक्ति को शरण मिले हुँ? या किसी को भी जहां शरण मिल जाए चाहे उसके पीछे कोई पड़ा हो या कोई उसे किसी खतरे का आगाज हो रहा हो या कोई परेशानी हो और फिर भाग के वो व्यक्ति या वो चीज किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां पे उसे शरण मिल जाए उसे प्रोटेक्शन मिल जाए उसे कहते हैं रिफ्यूज रिफ्यूज को हिंदी में कहते हैं शरण एंड इट्स नाउन ये नाउन है ओके रिफ्यूज रिफ्यूज इज अ वर्व ये वर्व है ओके okay? जिसका मतलब होता है से नो टू अ रिक्वेस्ट और ऑफर और शो अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिफ्यूज होता है मना करना कोई भी काम या कोई भी रिक्वेस्ट या कोई भी ऑफर हमें दी जाती है और हम उसे नो कह दें कि नहीं या इनकार कर दें तो उसे हम कहते हैं रिफ्यूज ओके इसको हम नाउन की तरह भी यूज करते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है अगर हम नाउन की तरह यूज करें रिफ्यूज को तो इसका मतलब होता है वेस्ट और वर्थलेस मटेरियल, कचरा कचरा होता है ना उसे भी हम रिफ्यूज कहते हैं तो चलो हम सीख लेते हैं कि रिफ्यूज और रिफ्यूज को किस तरह से हम यूज करेंगे ठीक है तो अब तो आपको क्लियर हो गया ना कि रिफ्यूज जब जी ई लग जाता है तो इसका मतलब होता है शरण कोई ऐसी जगह जहां पे किसी को प्रोटेक्शन मिल जाए खतरे से या किस कोई पीछा कर रहा उससे और रिफ्यूज का मतलब होता है नो no कहना और रिफ्यूज का मतलब एक और भी होता है कचरा ओके okay? तो हम इसे यूज करते हैं रिफ्यूज द फ्लड विक्टिम्स टुक रिफ्यूज इन अ ट्रांजिट कैंप तो जो फ्लड विक्टिम्स थे उन्होंने कहां पे रिफ्यूज लिया शरण ली दे टुक रिफ्यूज इन अ ट्रांजिट कैंप एक ट्रांसिट कैंप में रिफ्यूज लिया या शरण ली। बीइंग चीज़ बाय द मिस्क्रिएंट, the boy seeks refuge in a house. बीइंग चीज़ बाय द मिस्क्रिएंट, मिस्क्रिएंट होते हैं शरारती तत्व, बदमाश, हुलीगंज। तो क्योंकि उससे वो मिस्क्रिएंट्स के द्वारा चेज किया जा रहा था। उस पीछा कर रहे थे उसका तो उस लड़के ने जाके एक घर में शरण ली ओके बाय द द मिसक्रेंट बॉय सीक्स रिफ्यूज इन अ हाउस ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट आर ई एफ यू जी रिफ्यूज शरण एंड रिफ्यूज रिफ्यूज आई रिफ्यूज इज प्रपोजल ऑफ सेटिंग ऑफ अ फैक्ट्री द लाश ग्रीन एरिया आई रिफ्यूज दिस प्रपोजल तो मैंने उसके प्रपोजल को मना कर दिया कौन से प्रपोजल को कि ग्रीन एरिया में हरे भरे एरिया में फैक्ट्री सेटअप करनी है या एक प्रपोजल था जिसमें यह था कि एक हरे भरे एरिया में फैक्ट्री सेटअप करनी है तो मैंने उस प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया मना कर दिया इनकार कर दिया अपनी अनविलिंगनेस शो कर दी तो वो हो गया रिफ्यूज एन अदर वर्ड अगर हम इसे नाउन की तरह ये तो हमने वर्ब की तरह यूज किया ना क्रिया आई रिफ्यूज hmm? और यहां पे नाउन की तरह यूज करते हैं जिसका मतलब होता है कचरा द डोमेस्टिक रिफ्यूज इज कलेक्टेड एंड बर्न टू कीप सिटी नीट एंड क्लीन द डोमेस्टिक रिफ्यूज जो घरों का कचरा होता है वो कलेक्ट किया जाता है और उसे बर्न कर दिया जाता है ताकि सिटी को नीट एंड क्लीन रखा जाए ओके द डोमेस्टिक रिफ्यूज इज कलेक्टेड एंड बर्नड टू कीप दिटी नीट एंड क्लीन आई होप ये दोनों वर्ड्स का कन्फ्यूजन आज बिल्कुल क्लियर हो गया है और सच मुझे अगर क्लियर हो ना तो मेरी वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो